Hi everyone. So the topic we are going to discuss now is paraneoplastic syndrome. ठीक है, हम क्या के बारे में बात करेंगे? paraneoplastic syndrome. तो these are the syndromes we see along with a neoplasia. जो neoplasia होता है, that is a cancer. The syndromes we see along with a cancer are known as paraneoplastic syndromes. So these syndromes, they cannot be explained. These syndromes cannot be explained on the basis of direct spread, then metastasis and indigenous hormones. तो हम ये तीनों कारण के वजह से हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते. वी कैन नॉट से दैट द पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम हैज अक्वायर्ड इन अ नियोप्लास्टिक पेशेंट बिकॉज ऑफ डायरेक्ट स्प्रेड. वी कैन नॉट से दैट. वी कैन नॉट से इट हैज अक्वायर्ड ड्यू टू मेटास्टेसिस. एंड वी कैन नॉट ऑल्सो से दैट ड्यू टू एन इंडिजिनियस हॉर्मोन जिसका डिफिशियंसी या ओवर सिक्रेशन के कारण हुआ है. सो वी कैन नॉट डायरेक्टली से दैट कि यह डायरेक्ट स्प्रेड के कारण हुआ है, यह मेटास्टेसिस के कारण हुआ है या इंडिजिनियस हॉर्मोन के कारण हुआ है. What are the significance? It may be initial manifestation, ठीक है, of a neoplasia. It may be an initial manifestation of a neoplasia. It may mimic metastasis. आपको ये metastasis जैसा दिख सकता है, ठीक है, and it may indicate worsening कंडीशन. ये दिखा सकता है कि कंडीशन बहुत ज्यादा वर्सन यानी खराब हो चुका है, ठीक है. सो वी विल नाउ टॉक अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंडोक्राइनोपैथीज टाइप्स ऑफ पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम. इसमें नंबर वन आता है एंडोक्राइनोपैथीज, मतलब जो एंडोक्राइन सिस्टम में डिसऑर्डर होता है. तो नंबर वन है हाइपर कैल्सीमिया. हाइपर कैल्सीमिया, ओके. सो दिस हाइपर कैल्सीमिया इज द मोस्ट कॉमन पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम, ओके. इट ऑक्वर्स ड्यू टू प्रोस्टाग्लैंडिन्स, देन पैराथायरॉयड हॉर्मोन रिलेटेड प्रोटीन्स और पेप्टाइड, और ड्यू टू इंक्रीज विटामिन डी. इट इज सीन इन लंग कैंसर, ठीक है. लंग कैंसर, कौन सा लंग कैंसर? स्क्वामस सेल कार्सिनोमा. वी सी इन किडनी कैंसर, ओके, एंड वी आल्सो सी इट इन ब्रेस्ट कैंसर, ओके. सो दिस वाज अबाउट हाइपरकैल्सीमिया, ओके. नेक्स्ट वी हैव कशिंग सिंड्रोम. इट इज सीन इन lung cancer, small cell cancer, that is, ठीक है, carcinoid tumor में दिखते हैं, carcinoid tumor में दिखाई देता है. So Cushing syndrome is seen in small cell cancer, okay, small cell cancer. There are different types of lung cancer, उनमें से एक है small cell cancer, and we see Cushing syndrome in small cell cancer, okay. Number C is SIADH. ठीक है, सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एंटीडायुरेटिक हार्मोन. तो इट ऑक्वर्स ड्यू टू इंक्रीज एडीएच, ओके. इट इज सीन इन अगेन लंग कैंसर, ठीक है. एंड लंग कैंसर, कौन सा लंग कैंसर? स्मॉल सेल कैंसर में दिखाई देता है, एंड वी आल्सो सी इट इन सीएनएस ट्यूमर, ओके. नाउ नेक्स्ट नंबर बी इज योर हाइपो glycemia. It is seen in fibrosarcoma. Also we see it in ovarian cancer, okay. Number E is your polycythemia. So these are all endocrinopathies, okay. Endocrinopathies, it occurs due to erythropoietin like substance seen in hepatocellular
कार्सिनोमा, इट इज ऑल्सो सीन इन किडनी कैंसर एंड इट ऑल्सो सीन इन सेरेबेलर हेमंजियो ब्लास्टोमा. ओके, नाउ वी आर डन विथ एंडोक्राइनोपैथीज. एंडोक्राइनोपैथीज में हमने क्या क्या बात किया? एंडोक्राइनोपैथीज में हमने बात किया हाइपरकैल्सीमिया, दिस इज द मोस्ट कॉमन पैरान्योप्लास्टिक सिंड्रोम सीन. इट ऑकर्स ड्यू टू प्रोस्टाग्लैंडिंस ड्यू टू पैराथायरॉइड हॉर्मोन रिलेटेड पेप्टाइड एंड इट ऑकर्स ड्यू टू इंक्रीज विटामिन डी. इट इज सीन इन लंग कैंसर. व्हिच टाइप ऑफ लंग कैंसर? स्क्वामस सेल कार्सिनोमा. तो हाइपरकैल्सीमिया इन स्क्वामस सेल कार्सिनोमा. ठीक है, फिर वी टॉक्ड अबाउट कशिंग सिंड्रोम. कशिंग सिंड्रोम इज ऑल्सो सीन इन लंग कैंसर. व्हिच टाइप ऑफ लंग कैंसर? दैट इज स्मॉल सेल कैंसर. ओके, एंड देन सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एंटीडायबिटिक हॉर्मोन, इट इज सीन इन लंग कैंसर, दैट इज CNS ट्यूमर. ओके, देन वी हैव गॉट हाइपोग्लाइसीमिया एंड पॉलीसाइथेमिया. पॉलीसाइथेमिया ऑकर्स ड्यू टू एरिथ्रोपोएटिन लाइक सब्सटेंस सीन इन हेपाटोसेलुलर कार्सिनोमा. ओके, एंड सेरिब्रो क्या है? सेरिबेलर हेमंजियो ब्लास्टोमा, उसमें हमको दिखाई देता है. और किडनी कैंसर में भी हम देखते हैं. तो दिस वेयर ऑल दिस वॉज ऑल अबाउट योर एंडोक्राइनोपैथीज. वी विल बी टॉकिंग अबाउट वैस्कुलर नाउ. नंबर टू वैस्कुलर. ठीक है, वैस्कुलर में क्या आता है? नंबर वन इज वेनस थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस. ठीक है, venous thrombophlebitis. So it occurs due to mucin. Okay, and it causes migratory venous thrombophlebitis. And this shows trosu sign. ये आपको याद रखना है कि वेनस थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस में ट्रोसू साइन दिखाई देता है. तो वेयर डू वी सी दिस वेनस थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस? सीन इन पैनक्रियास कैंसर, देन AML M3 मतलब एक्यूट माइलेड ल्यूकेमिया M3 वाला टाइप में. ठीक है, देन वी सी इट इन ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा. ओके, और एडिनो कार्सिनोमा ऑफ लंग. ओके, नंबर टू इन वेनस आपका आ जाता है मेरेंटिक एंडोकार्डाइटिस. ओके, इट इज ऑल्सो नोन एज नॉन बैक्टीरियल थ्रोम्बोटिक एंडोकार्डाइटिस. ओके, इट इज सीन इन पैनक्रियाटिक कैंसर. ओके, seen in pancreatic cancer AML M3 due to mucin. Okay, so mirantic endocarditis kahan pe dekhte hain? Seen in pancreatic cancer AML M3. Okay, number 3 vascular mein hum dekhte hain anemia. Okay, where do we see anemia? Anemia thymoma mein humko dikhai deta hai. Okay, number 4 we see DIC. DIC kahan pe dikhai deta hai? AML M3. ठीक है, पैनक्रियाटिक कार्सिनोमा एंड प्रोस्टेट कार्सिनोमा. ठीक है, तो AML M3 यहाँ पे याद रखो, AML M3 DIC दिखाई देता है, DIC दिखाई देता है एंड ऑल्सो मैरेंटिक एंडोकार्डाइटिस. ठीक है, देन वी विल टॉक अबाउट न्यूरोमस्कुलर. Start preparing for the NEET MDS from your home. Dr. Pranav Academy of Dental Sciences. Online classes for all 1st, 2nd, 3rd and final year students. NEET MDS online test series. Unlimited practice and highest quality teaching. Affordable pricing. Download the app now. 3 is neuromuscular. Neuromuscular mein kya hai? Myasthenia gravis. Myasthenia gravis antibody against acetylcholine receptors. Okay, and this is also post synaptic. Okay, and it is seen in thymoma and lung cancer. Okay, theek hai. Then number 2 aa gaya Lambert
ईटन सिंड्रोम एंटीबॉडी अगेंस्ट कैल्शियम चैनल ओके ये प्री साइनेप्टिक है सीन इन लंग कैंसर ओके दैट इज स्मॉल सेल कैंसर ऑफ द लंग. तो आपको ये दोनों का डिफरेंसेस पता चलना पड़ेगा. न्यूरोमस्कुलर में क्या है माइस्थीनिया ग्रेविस एंटीबॉडी अगेंस्ट एसिटाइल कोलाइन रिसेप्टर दैट इज पोस्ट साइनेप्टिक ये पोस्ट साइनेप्टिक है ठीक है. और इट इज सीन इन थायमोमा एंड लंग कैंसर. लैम्बर्ट-ईटन सिंड्रोम में एंटीबॉडी अगेंस्ट कैल्शियम चैनल एंड दैट इज प्री साइनेप्टिक ओके नॉट पोस्ट साइनेप्टिक इट इज सीन इन स्मॉल सेल कैंसर ठीक है. न्यूरोमस्कुलर में ये आता है. नंबर थ्री इज ऑप्सोक्लोनस दिस इज ऑल्सो न्यूरोमस्कुलर जो न्यूरोमस्कुलर व्हाट दिस इज पारा न्यूरोप्लास्टिक सिंड्रोम वी सी ठीक है. इट इज रैपिड आई मूवमेंट ओके दिस इज ऑल्सो सीन इन स्मॉल सेल लंग कैंसर ओके. नंबर फोर इज लिम्बिक एनसेफेलाइटिस ठीक है. इसमें क्या देखते हैं हम एच यू एंटीबॉडी इट इज सीन इन लंग कैंसर ऑल्सो ओके ठीक है. नाउ वी विल टॉक अबाउट ओशियस सॉफ्ट टिश्यू चेंजेस ओशियस या सॉफ्ट टिश्यू चेंजेस ओके. तो फर्स्ट वी हैव गॉट हियर हाइपरट्रोफिक पल्मोनरी ऑस्टियो आर्थ्रोपैथी ओके इट इज HPOA ओके इट कॉजेस क्लबिंग ऑफ फिंगर्स ओके एंड इट इज सीन इन लंग कैंसर ओके ठीक है. नाउ डर्मेटोलॉजिकल पारानियोप्लास्टिक सिंड्रोम्स डर्मेटोलॉजिकल पारानियोप्लास्टिक सिंड्रोम्स इसमें क्या आता है आपको एकांथोसिस नाइग्रिकेंस ओके कहाँ पे दिखता है एकांथोसिस नाइग्रिकेंस वी सी इट इन स्टोमक कैंसर एंड लंग कैंसर एंड यूटेरिन कैंसर ओके. देन इन डर्माटोलॉजिकल वी हैव गॉट डर्माटोमायोसाइटिस. सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डर्माटोमायोसाइटिस जो ऑटोइम्यून देयर इज वन डर्माटोमायोसाइटिस जो दैट इज ऑटोइम्यून कॉजेस के कारण होता है एंड दिस डर्माटोमायोसाइटिस ऑकर्स ड्यू टू पारानियोप्लास्टिक सिंड्रोम ड्यू टू ए कैंसर होता है. तो देयर आर डिफरेंसेस ठीक है. तो व्हाट इज द डिफरेंस हियर वी सी NTP-140 एंटीबॉडी एंड ऑल्सो वी सी NTP-155 एंटीबॉडी ठीक है. ऑटो इम्यून में वी सी NTJ-1 एंटीबॉडी ओके ठीक है. तो ऑटो इम्यून में वी सी NTJ-1 एंटीबॉडी ओके. तो डर्माटोमायोसाइटिस में NTP-140 एंटीबॉडी इसमें पी है तो पारानियोप्लास्टिक सिंड्रोम याद रखो इसमें NTJ-1 एंटीबॉडी दिखाई देता है. इट इज डर्माटोमायोसाइटिस कहाँ पे देखते हैं वी सी इट इन लंग कैंसर वी सी इट इन ब्रेस्ट कैंसर ओके. देन नंबर थ्री इज सेबोरिक केराटोसिस. In this we see sign of lesser trellat. ये आपको याद रखना है ठीक है. मैं स्पेलिंग अच्छे से लिख देता हूँ lesser trellat. Okay? This might come in your exam. Seborrheic keratosis में दिखाई देता है sign of lesser trellat. तो it is seen in stomach cancer, colon cancer and breast cancer. ठीक है. तो दिस वॉज ऑल अबाउट पारानियोप्लास्टिक सिंड्रोम.
हम एक बार रिवाइज करेंगे जितना सारा चीजें अभी तक पढ़ा है यहाँ पे। तो पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम कैन नॉट बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट स्प्रेड। हम नहीं बोल सकते कि पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम हैज ओकर ड्यू टू डायरेक्ट स्प्रेड। वी कैन नॉट से दैट इट हैज ओकर ड्यू टू मेटास्टेसिस एंड वी कैन नॉट से दैट दिस पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम हैज ओकर ड्यू टू इंडिजिनस हॉर्मोन्स। ओके, व्हाट आर द टाइप्स? टाइप्स नंबर वन एंडोक्राइनोपैथिस। एंडोक्राइनोपैथिस में आपका आता है हाइपरकैल्सीमिया। Hypercalcemia is the most common paraneoplastic syndrome. It occurs due to prostaglandins, parathyroid hormone related peptide, and is in vitamin D, seen in lung cancer, kidney cancer, breast cancer. Okay, Cushing syndrome, seen in lung cancer, small cell cancer, carcinoid tumor. SIADH, seen in lung cancer, small cell carcinoma, CNS tumor. Hypoglycemia, we see in fibrocarcinoma and ovarian carcinoma. Polycythemia, it occurs due to erythropoietin-like substance seen in hepatocellular carcinoma. Okay, then vascular. Vascular में आपका आता है venous thromboflebitis. It occurs due to mucin. इसमें क्या दिखता है हमको? Trousseau sign दिखता है, ठीक है? Then we have got Marantic endocarditis, non-bacterial thrombotic endocarditis seen in pancreatic cancer, AML M3 में दिखाई देता है. Anemia, DIC. Then anemia is in thymoma, DIC is in AML M3. Okay. Neuromuscular में दो चीज याद रखना है, myasthenia gravis और Lambert-Eaton syndrome. Myasthenia gravis में antibody against acetylcholine receptors, acetylcholine receptors, and that is postsynaptic. आपका Lambert-Eaton में against calcium channel, and that is also presynaptic. Okay. Then opsoclonus, limbic encephalitis. हाइपरट्रोफिक पल्मोनरी ऑस्टियोआर्थ्रोपैथी, बात की हमने, डर्मेटोलॉजिकल में याद रखना है एकांथोसिस निग्रेकन्स, देन डर्मेटोमायोसाइटिस, देन सेबोरिक केराटोसिस। सेबोरिक केराटोसिस में हम देखते हैं साइन ऑफ लेसर ट्रेलर। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द क्लास, यू अंडरस्टूड द क्लास एंड यू लाइक द क्लास। थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंटली लिसनिंग।